खबर भानपुरा से। भानपुरा तहसील के ग्राम दूधाखेड़ी में निवासी लीला राम पिता भक्ति राम मीणे के बाड़े में अचानक चारे में आग लगने से नुकसान हो गया। किसान लीला राम मीणा द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही खेत से 45 ट्राली खेत से घर पर चारा डलवाया गया था। लीला राम मीणा का कहना है कि वही पास में चारा कंडे व लकड़ी और कृषि कार्य में आने वाले औजार भी पड़े थे, जो चारे के साथ जलकर राख हो गए। कृषक लीला राम मीणा ने अपने साथ हुए नुकसान के लिए प्रशासन से राहत राशि की मांग की है। भानपुरा से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। तो लीला राम जी, आपके आग कैसे लगी? अरे भाई, आग तो कहाँ कितने लगी, मैं तो कोड़ा पर तो नवादी लगी, नवादी लगी मारा 5-6 ट्राली सारो भरे तो बारी लेने भरे। और गाय भैंसे कितनी है? 5-6 टोड़े मार पा रहे, तो 2-3 तो बेशान, 2-3 गाय है। तो कुआ पर कितना और चारा है कि नहीं? अभी कहीं नहीं है, कहीं भी कौन सारो आरो कहीं कौन। तो अभी शासन से क्या उम्मीद है? शासन की उम्मीद है क्या कर कहीं के दे सारो है, कहीं रेशन पानी दीजिए तो अच्छा हो रे, डांड के बल्ले सहायता दीजिए। अच्छा, तो आप गाँव के बीच में लाके भरा था अभी? हाँ, बाड़े में। बाड़े में भरे थे वो बाड़ो थे। और कंडे वंडे तो नहीं थे? कंडे भी थे, लकड़ी भी थी। अच्छा, और आपको किसी के ऊपर शक्त नहीं है? कहीं के ऊपर शक्त को नहीं है, तो अपना भी अपने कई शक्ति लग गए, कहीं भगवान नाम। ठीक है सर। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।